दरबारी महाराज हमारी पूजा के क्या समाचार है। महाराज पूजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। महाराज ऐसा होना चाहिए जी महाराज, बराबर पूजा का ख्याल रखना जी, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो पाई जी महाराज, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज, अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ जी तो समझो मुझे कष्ट हुआ जी महाराज, प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज। आइए सारा सामान पहुंचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी बहन के लिए इसमें एक साड़ी है और एक चूनर है और कुछ मिठाई है राजन, इसी सरकार के लिए दरबारी ले लो। यो को पकड़ो महाराज,
दरबारी इसी भी पकड़ लो, परेशान नजर आ रहा है। संभाल कर बेटे राजेश, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम अपनी बहन के घर आए हो, लेकिन बेटे कम से कम जाओ अपनी बहन से तो मिलो। ठीक कहा राजे कि मैं अपनी बहन के घर आया, कम से कम अपनी बहन से तो मुलाकात कर लो। लेकिन नहीं, आज के दिन मैं अपनी बहन से मुलाकात नहीं करूंगा। वो यूं कि मेरी बहन वृद्ध होगी और मैं नहीं चाहता कि अपनी बहन से मुलाकात करूं। मेरी बहन जलपान का भी प्रबंध करेगी और खुदा ना खास्ता मेरे खाने के बजाय मेरी बहन ने कुछ खा पी लिया तो मेरी बहन का तो व्रत टूट जाएगा। इसलिए आज नहीं फिर कभी आऊंगा तो अपनी बहन से मुलाकात नहीं करूंगा और यहाँ पर दो चार दिन रुकूंगा भी राजन। वाह बेटी, बहुत ही समझदार। आज जाओ दोबारा आओ तो दो चार महीना राम महाराज। कोई बात नहीं है, दो चार साल रहना। और क्या, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। कौन की कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, सब मिले महाराज, सब कुछ मिलेगा भैया। ये महाराज सब कुछ महाराज। हाँ वो भी क्या वही नहीं, नहीं वो नहीं मिलेगा। मिली महाराज कहा सब मिली। पहले ही समझा दिया, वहाँ कुल दुलू की बातें नहीं करना। सब मिली वो नहीं मिलेगा भाई। महाराज मेरी क्या मिली? क्या तू मान रहा है? बहुत सौखे महाराज में जीत के ऐसे बोले थी। नहीं महाराज क्या लस्सी महाराज? लस्सी की बात करता है। अरे दरबारी लस्सी मिलेगी महाराज? लस्सी मिलेगी? मिलेगी कौन वाली लस्सी? कौन वाली है? कोई अच्छा बात वाली अरे हराम खाओ नालायक कहीं था ठीक है, अगर दोबारा ना तो लस्सी तुम्हें मिलेगी। कोई बात नहीं है, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि घर पर मांग मिली है और जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक घर का सारा काम यूं ही। माँ का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। Thank you.
मेहरबानी, ये बहुत मुंह लगा है। अभी कल तनख्वाह ले गए हैं, तनख्वाह लेने में तो तुम बहुत तेज हो और इसको खाने में टेट नहीं हो। ये धन महाराज एवं मिठाई हमका लाकर पसरे उधरे गया है, इसको तुम ही को ले जाना है। ये सामान ले जाओ, हमारी बहू को दे देना और सुनते जाओ, हमारी बेटी बुढ़िया महल में आराम फरमा रही है, उनसे कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है। महाराज जा ले जाओ मिठाई पत्थर तो दी है, तो इतनी वजन है महाराज की भराओ, खुलने में पूरा सामान भरा हुआ है। अच्छा और क्या? हाँ महाराज, वो बेचारा गरीब जरूर है, लेकिन सब मुहैया करके लिए आया है वजन सामान। और क्या? सारा सामान लेकर आया है महाराज। एक काम करना, तुम प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए महाराज, बराबर ख्याल रखना जी महाराज। हमारे महाराज, अब ये करवा चौथ के व्रत का त्योहार है, महाराज की बहू व्रत है, हम भी चले देखिए होता है क्या। अरे कहूं ने दी साते दादा लाए हो